मैं सुनील सुमीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है। आयोजन कर समाज में एक अच्छे मैसेज दिए हैं, इनसे सीखने की आवश्यकता है समाज के लोगों को और हम युवा वासियों को। ये अपना मंतव्य व्यक्त करें कि ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के सभी युवा साथियों को मेरा हार्दिक आभार अभिनंदन। और अमृता देवी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1730 ईस्वी की बात है, इन्होंने खिजरली, राजस्थान में खिजरली एक गांव है, वहां के राजा उस समय में अमृता देवी के गांव में जाकर के 1730 ईस्वी में पौधा काटने के लिए अपने मंत्रियों को भेजे थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि मंत्री के द्वारा और सैनिकों के द्वारा 363 वहां के महिलाओं बेटियों को बलि चढ़ा दिया गया पेड़ बचाने के वजह से। वो उनके साथ अमृता देवी के साथ सबसे पहले उनकी बेटी शहीद हो गई। अमृता देवी को सर से गर्दन उनका उतार दिया गया और उनके साथ साथ 3 बेटी शहीद हो गई। 84 गांव से लोग वहां पहुंचे, आम जनता पहुंचे उस पेड़ सबको बचाने के लिए कि नहीं हम यहाँ महल आपका नहीं बनाने देंगे, पेड़ हम नहीं काटने देंगे। तो उनका 1730 ईस्वी में शहीद हो गई थी और 363 एक साथ शहीद, जो कि विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। इसीलिए मैंने इस देश में सबसे पहले ये संदेश देना चाहे कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके शहीदी दिवस पर मना करके और हम सभी साथी मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सभी साथियों का आभारी हैं और हम सबको शुभकामना भी दे रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं और एक साथ मिल करके हम लोग इसको, इस आवाज़ को बुलंद करें और आगे चल करके हम लोग एक विश्व इतिहास रचें। थैंक यू। इसके लिए आपने ऐसा आयोजन किया और सुदूर दरभंगा के सुदूर क्षेत्र विश्नाथपट्टी में आपने पहली बार इसका आयोजन कर और शहरवासियों को एक संदेश दिया, इसके लिए आपको बधाई के पात्र है। और निश्चित रूप से इस अभियान में सबको सहायता करना चाहिए, जुड़ना चाहिए ताकि यह युवा के लिए आप रोल मॉडल हो सके और ये समाज में एक संदेश जा सके। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।